तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, फिर बाद में नया चालू करते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करती है, बहुत सारी एक से ज्यादा इंडस्ट्री, एक से ज्यादा कंपनी, एक से ज्यादा एंटरप्राइज के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि मिल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक ही तरह की कॉस्टिंग के प्रिंसिपल या प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कंपनीज, छोटी मोटी एक ही इंडस्ट्री में आने वाली कंपनीज मिल के क्या करेगी, एक सिंगल मेथड फॉलो करेगी और अपने आइडियाज वगैरह सब कुछ शेयर करेगी। अब जिससे होगा क्या, यहाँ पे कॉस्ट का फायदा होगा, बराबर, वो कंपेरिजन कर पाएंगे एक दूसरे के बीच, गवर्नमेंट को भी आसानी होगी, बराबर, कि गवर्नमेंट कोई भी रूल पॉलिसी बनाएंगे तो सब जगह स्टैंडर्डाइजेशन होगा, बराबर। अब फील्ड्स कौन से कवर होते हैं, तो हमने देखा था कि मेथड अलग अलग, जहाँ 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 पे भी अलग मेथड आएगी वहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई हो जाएगा और सब लोग एक ही तरह की मेथड अप्लाई करें, जिससे क्या होगा, कंपेरिजन ईजी हो जाए। अब इसमें रिक्विजिट क्या थे हमारे, कि हम लोगों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए, मेथड्स आइडिया फ्री एक्सचेंज होना चाहिए, नो राइवलरी और जेलेसी अमंग पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे मेंबर्स उन लोगों के बीच कोई जेलेसी राइवलरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन गलत तरीके से यूज की जाएगी, बराबर। फिर बड़ी फर्म्स जो हैं उनको छोटी फर्म्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ताकि स्मॉलर यूनिट्स को फायदा हो। दूसरी चीज हमने देखी थी कि सबका जो इंटरेस्ट है वो सबका सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा फायदा ले रहा है, कोई कम फायदा ले रहा है। फिर एडवांटेजेस की बात की थी हमने, तो 5 तरह के एडवांटेजेस देखे थे कि अंडरटेकिंग्स को क्या फायदा होगा, तो वो लोग कॉस्ट कंपेरिजन कर पाएंगे, जो कॉस्ट कंसल्टेंट होते हैं, कॉस्टिंग के कंसल्टेंट, जिससे आप डिजाइन करवाओगे आपका कॉस्टिंग फ्रेमिंग सिस्टम, उसका खर्चा भी आपका कम हो जाएगा। दूसरी चीज, जो रिसर्च बड़ी बड़ी फर्म्स करती है उसका फायदा भी छोटी फर्म्स को मिलने लगेगा। आगे बात करें तो हम दूसरे भी काफी सारे फायदे थे, डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिशन नहीं होगा और ये सारी अलग अलग चीजें थी। तो इसके अलावा वर्कर्स को क्या फायदा होगा, तो देखो वर्कर्स को एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे भी कॉस्टिंग सिस्टम सेम चल रहा है, दूसरी कंपनी में भी कॉस्टिंग सिस्टम सेम चल रहा है, रोवान प्लान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रोवान प्लान है, दोनों जगह रोवान प्लान की वजह से क्या होगा, फायदा क्या होगा, क्योंकि दोनों जगह रोवान प्लान है तो छोड़ के जाएगा तो भी वहां पे भी उसको सेम पैसा मिलने वाला है तो वो भी जाने की सोचेगा नहीं। दूसरी चीज, बोनस वगैरह ये सारी की सारी चीजों में भी उनको सेम फायदा मिलेगा। ट्रेड एसोसिएशन को क्या फायदा होगा, तो ट्रेड एसोसिएशन को फायदा ये होगा कि वो लोग गवर्नमेंट से जो भी चीजों के लिए बारे में वो लोग बार्गेनिंग करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं, वो भी वो इजीली कर पाएंगे, बराबर। दूसरी चीज हमने देखी थी कि कोई प्राइस फिक्सेशन करना है, सब लोग मिलकर प्राइस फिक्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन कितना करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें वो लोग देख पाएंगे, फिर उनके इंटरेस्ट को भी वो मेन कर पाएंगे। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, तो गवर्नमेंट को ये फायदा होगा कि वो लोग रेगुलेट कर पाएंगे, उनको मिनिमम वेजेस फिक्स कर पाएंगे, अगर उनको जो कुछ कोर प्रोडक्ट होते हैं जैसे सीमेंट, स्टील, शुगर, इन सभी चीज़ों को वो लोग अपने कंट्रोल में रख पाएंगे ताकि एकदम से भाव बढ़ ना जाए, एकदम से भाव घट ना जाए, ये चीज़ें होती है। कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा, तो कंज्यूमर को एक ही तरह की कॉस्टिंग फॉलो करने की वजह से क्या होगा, कम भाव में या लोअर प्राइस में सामान मिल जाएगा और हर जगह सेम तरीके से भाव में मिलेगा तो अच्छी तरह से चलेगा वो चीज़, बराबर। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, क्योंकि जो छोटी मोटी कंपनियां से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां सब मिलके एक ही तरह का कॉस्टिंग सिस्टम जो अच्छा है वही फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह से फायदा हो सकता है। लिमिटेशन में देखा था, तो लिमिटेशन में क्या था कि सबसे पहले उसको सेटअप करना होगा तो बहुत हाई इनिशियल कॉस्ट लगेगी, बराबर। दूसरी बात हमने देखी थी, जो छोटे यूनिट है वो उसको अफोर्ड शायद ना कर पाए। दूसरी चीज, सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, बड़ी फर्म्स उसका में डोमिनेट कर पाएगी और छोटी फर्म्स होगी बेचारी रह जाएगी, वो अपनी आवाज नहीं उठा पाएगी, ऐसा हो सकता है, बराबर। फिर ऐसा हो सकता है कि जो बड़ी फर्म्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर ना करें अच्छी तरह से, बराबर, और छोटी फर्म्स को इसका फायदा ना लेने दे, उस तरह से हो सकता है। दूसरी चीज, एक एक जने की इंफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे लोग इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करें, ऐसा मोनोपोलिस्टिक कंडीशन वो लोग लगा पाए, या फिर ऐसी चीज करें ताकि बाकी लोगों का कुछ सेल ना हो, कुछ भी ना हो और ये लोग डोमिनेट करें। तो ये हमारी चीजें थी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में। तो सिंपल एक कॉस्टिंग का सिस्टम ऐसा बनाया है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे मेंबर्स जुड़ेंगे और एक ही तरह की कॉस्टिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे
आइडिया शेयर करेंगे, प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे, जिसकी वजह से फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो ये चीज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में थी, सिंपल, बराबर। चलो तो अब नए टॉपिक के सामने चलते हैं। तुम लोग को स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर तरीके से कि और जूम करूं मैं? खाली इतना बोलो, पूरी फुल स्क्रीन आ रही है सभी लोगों को? अनुराधा, चलिए तो हाँ, जो नया टॉपिक, अभी म्यूट कर दो, कोई बात नहीं, इसमें आराम से म्यूट कर दो, जब भी डाउट पूछना हो तब मैं पूछूंगा, तब तुम डाउट पूछ सकते हो, बराबर। अब इंटर फर्म कंपैरिजन, ये नया टॉपिक है, इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इंटर फर्म का मतलब क्या हो गया? एक फर्म से दूसरी फर्म का, और दूसरा कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। तो इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है उसको पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो हमने लगाई है वो किसने लगाई थी? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हम लोग इसलिए लगा रहे थे ताकि इंटर फर्म कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल हो सके, मतलब एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन सेम इंडस्ट्री में कर पाए, और कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है, और मैनेजमेंट टेक्निक जो लगा रहे हैं कहाँ पे डिफरेंट हो रही है, किसको कौन सी मेथड से फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, वो कंपेयर करके एक दूसरे की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सब जान के कंपेयर करके कुछ डिसीजन लिया जा सके। द स्कीम ऑफ इंटर फर्म कंपेरिजन इन्वॉल्व्स वॉलेंट्री पुलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पार्टिसिपेटिंग फर्म्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब क्या करते हैं लोग, पुलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं सब अलग अलग कंपनीज से, मतलब जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगा है उसमें क्या करते हैं, अलग अलग फर्म्स जो पार्टिसिपेट कर रही है उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई आपने क्या चीज लगाई है, कौन सी मेथड लगा रहे हो, इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इससे क्या होगा, सबकी अलग अलग मेथड्स हैं या सबकी अलग अलग मेथड्स हैं या प्रोसीजर से, प्रिंसिपल से, उन चीजों को कंपेयर करेंगे और कहाँ पे कहीं जगह पे किसकी प्रॉब्लम आ रही है। कंपेरेटिव स्टडी, स्टडी ऑफ कंपेरेटिव अचीवमेंट फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, इसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। तो सिंपल, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कंपेरेटिव अचीवमेंट्स फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कुछ गलती हो रही तो उसको सुधारो, अच्छी काम कर रहे हैं तो बाकी सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंपेरिजन होगा वो कैसे होगा, रेशियो निकाले जाएंगे, बराबर, कोड निकाले जाएंगे। तो रेशियोज के हिसाब से भाई इनका रेशियो ये आ रहा है, हमारा रेशियो ये आ रहा है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पे गलती हो रही, इसका अच्छा है या इसका अच्छा है, इसे रेशियो अलग अलग निकालेंगे, उनको कंपेयर करेंगे बस। द आइडिया इज टू कीप सीक्रेट्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो एब्सोल्यूट डेटा फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि कंपनीज का काफी सारा सीक्रेट डेटा होता है, बराबर, उनकी रेसिपी होती है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ये सीक्रेट जो चीजें हैं उसको भी सीक्रेट रखो, और कुछ ऐसी चीजें जो कंपेयर करने के लिए जरूरी है उनको भी आप क्या करो, उनको भी आप कंपेयर करो। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन करते हैं, बस सिंपल इतनी चीज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन इज टू एक्ट एज इंसेंटिव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, मतलब कंपेयर करके आप जान पाओ कि कहाँ गलती हो रही है और वो गलती को सुधार के क्या करो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, मतलब आपका प्रोडक्शन बढ़ाओ, और एफिशिएंसी मतलब कितनी अच्छी तरह से आप एफिशिएंसी कम से कम रिसोर्सेज में किस तरह से काम कर पा रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अचीव्ड बाय फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू फर्म ऑफ सिमिलर ट्रेड, मतलब सब यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ये सारी चीजें जमा करो, एक दूसरे की कंपेयर करो और क्या करो, अच्छी तरह से इसको एनालाइज करो, और जो अच्छी चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करके बोलो कि भाई ये काम करो आप, ये काम ना करो। किसी का एक्सपीरियंस, कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया तो वो शेयर करेगा कि भाई ये चीज गलत हो रही है, इसको ध्यान रखना, आप अगर कभी काम करो तो ऐसा ध्यान रखना। तो लोगों की गलतियों से, लोगों की अचीवमेंट से कंपेयर करके मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कंपनी है, उनको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर में अगर कोई ऐसा आ रहा है तो उनके पास पहले से रेडी हो चीजें कि भाई अगर ऐसा सिचुएशन आए तो उस कंपनी को ऐसा हुआ था तो हमको भी इस तरह से फॉलो करना है, बराबर। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अब द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, अब यहाँ पे क्या है, विद इन द कंपनी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाते हो, बजटरी कंट्रोल लगाते हो। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि आप कोई भी खर्चा करने से पहले उसका बजट बना देते हो, बराबर, बजट बनाते हो,
और इस बजट में आप लिख देते हो कि इतना इतना खर्चा होना चाहिए। अब एक्चुअल जब आया उसको खर्चों को देखा, कंपेयर किया कि कोई ज्यादा हुआ कोई कम हुआ, तो इसके बेस पे भी करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। बट ये सिर्फ क्या होगा, विद इन द कंपनी होगा, मतलब आप अपने खुद के कंपनी का इंफॉर्मेशन यूज करोगे। अब यही चीज अगर कंपनीज के बीच की जाए, एक अलग कंपनी दूसरी अलग कंपनी, ये तीन चार अलग अलग कंपनीज का यही डेटा, ये डेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, हम खुद खुद से यूज कर रहे हैं, हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। अगर सेम चीज अगर बाहर की जाए, मतलब एक फर्म का बजटरी डेटा दूसरे फर्म से, तीसरी फर्म से, चौथी फर्म से कंपेयर करेंगे, तो इसको हम कहते हैं बजटरी इंटर फर्म कंपेरिजन। सिंपल इतनी सी चीजें हैं, बराबर। अब और चीजें दी हुई है, एडवांटेज क्या दिए हुए हैं, तो अब एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, रिवील वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो देखो, आप अपना इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करोगे तो वो चेक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, बराबर, और कहाँ पे आपका अच्छा पॉइंट है। दूसरी चीज, क्रिएट कॉस्ट कॉन्शियसनेस। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करोगे और वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, आप चेक करोगे कि हम तो ये चीज इतने में करवा रहे हो और सामने वाले इससे कम में करवा रहे हैं, तो हम लोग भी ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे कि भाई मैं भी कम से कम पैसे में ये चीज कर पाऊं, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। तो कॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कॉस्ट के बारे में आप एकदम क्या हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे और आप कंट्रोल करोगे और उसको कॉस्ट को रिड्यूस करोगे बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बराबर। फिर आगे बढ़ेंगे, सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो मैंने बताया था कि आप अगर मिलके काम कर रहे हो तो आप क्या कर पाओगे, बड़ी बड़ी जो कॉस्ट कंसल्टेंट होते हैं उनका फायदा ले पाओगे कम से कम कॉस्ट में, बराबर। तो जितने भी एक एक सिंगल बंदे को आप हायर करोगे, बराबर, उसको आप ही से फायर करोगे तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा, बट एक बंदा काम कर रहा है बट आप सारी कंपनियों के लिए काम कर रहा है, मतलब एक उसको डेटा बनाना है और सबको शेयर कर देना है, तो यहाँ पे पैसा कम लगेगा और जो पैसा है इन लोगों कंपनीज के भी बढ़ जाएगा, बराबर। तो आपको कॉस्ट का फायदा होगा, स्पेशलाइज एजेंसी को फायदा होगा और कम कम रुपए में होगा। सोती रहती है क्या अर्फिया, जब तुमको बुलाते हैं तब तुमको आना नहीं होता है। इतना गला फड़ फड़ के मैं मैसेज कर रहा हूँ रोज तुमको, तो तुमको मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग टाइम पास करने के लिए बैठे हैं क्या। इतनी देर से मैसेज कर रहा हूं तुम लोगों को मैं कि भाई कब तुम लोग ज्वाइन हो, ज्वाइन हो। हाँ अर्फिया, साढ़े आठ सुबह 8 बजे का मैसेज कर रहा हूं मैं कि तुम लोग इसको डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लो, बराबर। कल रात से बोला, परसों से बोला तुम लोगों को, कुछ मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है। हाँ अर्फिया, नहीं हो रहा तो मैसेज करो ना, मैं कब से मैसेज कर रहा हूँ, तू तू अभी उठी होगी, मेरे को मालूम है ना, मैं कल रात से मैसेज कर रहा हूँ, परसों से मैसेज कर रहा हूँ, तुमको प्रॉब्लम आए तो बोलो मेरे को। अब तू सुबह 8:45 पे बोल रही है सर मेरा नहीं हो रहा है, तो कैसे चलेगा ये चीज। अरे भाई 3 दिन से बोल रहा हूँ ना मैं, परसों रात को बोला था मैंने, कल भी हम लोग ने इसकी वजह से जूम पे मीटिंग लेनी पड़ी हमको, बराबर, समझो चीज को, ये क्या तुम वैल्यूएबल टाइम होता है। मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ कितनी देर से कि भाई ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, और तुम लोग 8:30 उठ के फिर तुम्हारी मर्जी से करते हो काम, तो नहीं चलेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप स्पेशलाइज एजेंसी का यूज करोगे तो बेनिफिट किसको होगा, सभी को होगा, पूरे इंडस्ट्री का होगा। क्यों? क्योंकि देखो खर्चा कम हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव अनफेयर जो कॉम्पिटिशन होता है वो नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मेथड की स्टैंडर्डाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, आप अच्छी तरह से गवर्नमेंट से भी डील कर पाओगे, तो ये सारे बेनिफिट जो है वो सारे इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी है उनको मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इंफॉर्मेशन तो शेयर तो कर रहे हो बट जो पार्टिसिपेटिंग फर्म्स है उनका जो डेटा है वो कोड नंबर्स में है, बराबर। तो कोड नंबर में जैसे अभी मैं कुछ, जैसे डोमिनोज वाला है, डोमिनोज वाला इन लोग मिलके क्या कर रहे हैं कुछ, या कोई कंपनी है वो कंपनी अपना डेटा शेयर कर रही है, अब वो क्या करेगी, वो किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिखेगी, उसको कोड दे देगी, बराबर। अगर जैसे मेरी कोई रेसिपी है कुछ चीज बनाने की, उसमें बोलूंगा कि 100 ग्राम धनिया डाल दो, 100 ग्राम मिर्ची डाल दो, 100 ग्राम ये डाल दो, तो बाकी लोगों को रेसिपी मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद जब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तब मैं बोल दूंगा कि धनिया की जगह कुछ कोड दे दूंगा XYZ, इसकी जगह कुछ कोड दे दूंगा, इसकी जगह कुछ कोड दे दूंगा, तो उनको रेशियो तो मालूम पड़ जाएगा,
बट कौन सी पर्टिकुलर चीज डाली जा रही है वो मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो सीक्रेसी भी मेंटेन होगी क्योंकि कोड कोड लैंग्वेज में पूरा होगा ये चीज है बराबर। तो अगर मैं खुद मेरा कोड नंबर जानता हूँ, दूसरी कंपनी नहीं जानती, तो उन लोग को कंपेरिजन के लिए फिगर्स तो मिलेगी बराबर, बट वो रेशियो निकाल पाएंगे, बट उनको असली रेसिपी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको देखते हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी होगी और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अ स्कीम ऑफ इंटर फर्म कंपेरिजन मे सफर फ्रॉम फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? डिफरेंस इन नेचर एंड साइज ऑफ मेंबर फर्म्स मेक्स इट ऑपरेशन डिफिकल्ट। अब क्या होगा, कुछ बड़ी फर्म्स होगी, कुछ छोटी फर्म्स होगी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको अगर इस फोरम में ज्वाइन होना है, मतलब जो मिलके काम कर रहे हो उसमें, ऐसा होगा कि आपको सबके पास जैसे सिस्टम होते हैं, अकाउंटिंग के सिस्टम होते हैं, वो SAP होते हैं और भी अलग अलग होते हैं, और आप चला रहे हो टेली, तो आप छोटी फर्म हो तो आप सस्ता ही सिस्टम चलाओगे। तो अगर आपको इनमें ज्वाइन होना है तो आपको SAP लगाना पड़ेगा। अब छोटी कंपनी है तो जो SAP सॉफ्टवेयर आता है ना, वो 4 करोड़ 5 करोड़ का आता है बराबर, और टेली आता है 20,000 का। अगर आप 20,000 में ये काम कर पा रहे हो बट आपको इसमें ज्वाइन होना है, तो क्या होगा, डिफिकल्टी क्या होगी, आप इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको SAP चाहिए, और आपकी इतनी वो नहीं है, हैसियत नहीं है, या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप SAP में इन्वेस्ट कर पाओ। तो यहाँ पे साइज का प्रॉब्लम पड़ सकता है कि आपकी साइज छोटी है, नेचर छोटा है, नेचर अलग है, स्केल छोटा है, तो आपको डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अब कुछ टॉप मैनेजमेंट होंगे, वो बोलेंगे भाई हम हमारी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते बराबर। वो लोग क्या बोलेंगे, वो रिलक्टेंट होते हैं टू डिस्क्लोज डेटा टू ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर। अब आपको कंपेरिजन करवाना है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को सब चीजें बतानी पड़ेगी, बट अगर आपको प्रॉब्लम ढूंढवाना है तो इन्फॉर्मेशन सब देनी पड़ेगी, आपको डेटा सब देना पड़ेगा। बट टॉप मैनेजमेंट कभी कभी ऐसा सोचता है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तो मेरे को खतरा हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, एफिशिएंट फर्म्स मे नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट। वो लोग क्या करेंगे, गलत गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई बड़ी बड़ी फर्म्स है, वो क्या करेंगे, काम करते हैं बाकी लोगों को धोखा देने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो एफिशिएंट फर्म क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे बराबर, ताकि लोगों को फायदा ना हो पाए, ये चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, अगर किसी कंपनी के पास प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जो फिगर सप्लाई कर रहे हैं वो गलत हो सकती है। तो अगर गलत फिगर के बेस पे आप कुछ भी काम करोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपका सिर दुख रहा है, बोलोगे मेरा पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर दवाई देगा तो आपको उल्टा नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आप गलत तरीके से डेटा बना रहे हो, कहीं गलती कर रहे हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन भी गलत होगी, इंफॉर्मेशन गलत होगी तो कंपैरिजन गलत होगा, और कंपैरिजन गलत होगा तो जो डिसीजन मेकिंग उसके बेस पे की जाएगी वो भी गलत हो सकती है बराबर। तो ये चीजें हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। सूटेबल बेसिस फॉर कंपैरिजन में नॉट बी अवेलेबल, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो देखा जाए, ठीक है, ये जो चैप्टर है ओवरऑल, इस चैप्टर में देखा जाए तो दो चीजें हैं बराबर, इसको समराइज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, और दूसरी चीज थी इंटर फर्म कंपैरिजन बराबर। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटर फर्म कंपैरिजन के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में सिंपल हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज, एक ही इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनीज, XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, अलग अलग कंपनीज मिलके क्या करती है, एक संघ बनाती है, एक एसोसिएशन बनाती है, और अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करती है और कंपेयर करके उसके बेस पे फायदा लेते हैं, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो ये तो सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में क्या किया जाता है, इस सिस्टम में इंटर फर्म कंपेरिजन किया जाता है। तो इंटर फर्म कंपेरिजन में देखो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर है और ये पूरा सिस्टम है, बस सिंपल इतनी चीज है, ये सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत ये प्रोसीजर की जाती है, बस इतनी चीज तुमको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चंस जो आएंगे MCQs हम देख लेंगे, मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ ज्यादा आपको पूछेंगे, एक आध क्वेश्चन शायद पूछ ले तो हो सकता है, बाकी आपको ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछने वाले बराबर। तो चलिए, तो अब क्या करते हैं,
जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब थियरी, इसमें से एक मार्क के लिए हमने इतना सारा 2 दिन पढ़ा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारा नया टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ पे सवाल भी करने होंगे और थियरी भी पढ़नी होगी, बराबर, जो है बजटिंग। बराबर, तो पढ़ते हैं बजट के बारे में। तो इस टॉपिक का नाम है बजटरी कंट्रोल यूनिट 3, ये मेन चैप्टर है। बराबर, तो बजट का मतलब क्या होता है? तो बजट का सिंपल मीनिंग हमको मालूम है कि बजट मतलब क्या होता है। हम कोई भी एक्सपेंस या फिर कोई भी वर्क करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। बराबर, कि कहीं पे भी कोई भी चीज लेने जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वो खर्चा कितना होगा उसका एस्टिमेट लगाते हैं। तो घर में शादी भी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से अंदाजा लगाते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है, हम कितना खर्चा करेंगे, हमारी लिमिट्स क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करके हम क्या करते हैं कि इतना पैसा और इतनी चीजें हमें चाहिए और हम इतना खर्चा करने के मूड में है। बराबर, तो इसको कहते हैं सिंपल बजट, कि भाई हमारा बजट में नहीं। हम कभी कोई चीज लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, तो मोबाइल में हम क्या करते हैं कि भाई मेरा बजट 12,000 का है, मतलब मुझे 12,000 के ऊपर नहीं जाना है और 10,000 से 11,000 के, मतलब 11 से 12,000 के बीच में रहना है, तो उसे हम कहते हैं बजट। अब यही चीज, यही बजट हम हमारी कंपनी में जब काम कर रहे हैं तब उसको लगा दे। ठीक है, जब हम हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तब इस कंसेप्ट को अगर लगा देंगे तो उसे हम कहेंगे बजट री कंट्रोल, जहां पे हम बजट बनाएंगे और आगे जब काम कंप्लीट होगा तब हम चेक करेंगे कि हमारे बजट के विद इन द बजट रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अगर विद इन द बजट नहीं रह रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे बजट से बाहर ना जाए। चलिए, तो अब टेक्निकल भाषा में पढ़ते हैं। बजट इज डिफाइंड एज अ प्लान क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब क्या होता है, कि हम लोग पहले से फिक्स कर रहे हैं, एक अमाउंट में फिक्स कर रहे हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, आप क्वांटिफाई कर रहे हो मॉनेटरी टर्म्स में। प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर मतलब पहले, टू द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली शोइंग प्लांट इनकम टू बी जनरेटेड एंड एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड टू अटेन गिवन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके बताता हूं मैं। बराबर, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका ताकि तुमको इजीली समझ में आए। देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्लान को क्वांटिफाई कर रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स, मतलब हमेशा रुपए के टर्म्स में होगा। बराबर, दूसरी चीज, उसको अप्रूव कब किया जाता है, प्रिपेयर एंड अप्रूव कब किया जाता है, काम करने से पहले, प्रायर टू डिफाइंड पीरियड। अब जिसमें दिखाते क्या है, एक तो सबसे पहले समझ लो कि हम लोग प्लान पहले से बनाते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं काम करने से पहले, जिसमें 3 चीजें होंगी। फर्स्ट, आप कितनी इनकम जनरेट करोगे, दूसरी चीज कितना खर्चा करोगे, और तीसरी चीज कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। सिंपल चीज समझ गए तुम लोग, आपको प्लान बनाना है, यहां पे लिखता हूं शॉर्ट में, प्लान बनाना है। प्लान आप क्या करोगे, प्रायर पहले से बनाओगे, आप कितना इनकम आपको जनरेट करनी है, कितना एक्सपेंस आप कर पाओगे, और तीसरा कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब कितना आपका मॉनेटरी, आपका कितना पैसा इन्वेस्ट रहेगा। ये तीन चीजों के बारे में पहले से प्लान करना, प्रायर टू डूइंग वर्क, काम करने से पहले ही आपको इन तीनों का अंदाजा लगा देना और इन 3 लिमिट के विदिन रहना, उसे हम कहते हैं बजट। समझ में आया सभी को, बोलो समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुमको समझाया। सभी को, मेरे को सबका हाँ चाहिए। बराबर, चलो, तो बजट सबको समझ में आया। अब यहां पे हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या है बजट के, फॉलोइंग फीचर्स ऑफ बजट, फीचर्स क्या है। अब यहां पे जो प्लान है वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, बट यहाँ पे फिजिकल यूनिट, मतलब देखो अमाउंट भी होगा साथ साथ में क्वांटिटी भी होगी। भाई इनकम तो इतना जनरेट करोगे, पर कितना क्वांटिटी बेचोगे, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, तो यहाँ पे पैसे के साथ साथ फिजिकल यूनिट भी होगा। दूसरी चीज,
ये हमेशा प्रायर, इट इज प्रिपेयर्ड प्रायर टू पीरियड ड्यूरिंग विच इट विल ऑपरेट। काम करने से हमेशा पहले बनाया जाएगा, तो एक तो पैसे के टर्म्स में होगा, दूसरी चीज काम करने से पहले बनाया जाएगा, तीसरी चीज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो होगा उसको पहले अप्रूव करेगा कि भाई हाँ इस तरह से काम करना है। तीसरी चौथी चीज ये एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए होगा, मतलब एक फिक्स पीरियड होगा कि भाई अगले महीने में, मई के महीने में हम क्या करेंगे या जून के पर्टिकुलर महीने में क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि कभी भी कुछ करेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड लेंगे, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले 15 दिन, ठीक है, या अगले 6 महीने, अगले क्वार्टर, तो एक फिक्स पीरियड होगा। पांचवी चीज इसमें इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करेगा, प्लांट इनकम, प्लांट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो तीनों चीज बताएगा, इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें बताएगा, बराबर। दूसरी चीज, और ये क्यों बनाते हैं हम लोग, इसलिए बनाते हैं कि जो चीज डिसाइड किए उसी तरीके से हो, और जो ऑब्जेक्ट हमने किया है कि इतना सेल्स करूंगा, इतना खर्चा करूंगा और ये चीजें करूंगा, उसको वापस हम लोग फ्यूचर में चेक कर पाए कि ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग हमेशा बजट बनाते हैं। तो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, पीरियड से पहले बनाया जाएगा, मैनेजमेंट इसको अप्रूव करेगा, एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए होगा, और यहाँ पे तीन चीजें दिखाई जाएगी, कितनी इनकम करोगे, कितना खर्चा करोगे एंड कितना एक्सपेंस इनकर करोगे। ये चार पांच चीजें जो है हमको हमेशा बजट में रखनी होती है। यहाँ पे क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ेंगे, बोलो सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है सबको क्लियर है, एक बार इधर देख लेता हूँ। देखो किसी का कोई डाउट हो तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं चैट देख नहीं पाता हूँ बार बार, मेरी स्क्रीन रहती है ना सामने, इसलिए बराबर, तो चैट में मत लिखना, बोल देना, ठीक है, यहाँ पे मेरे को आवाज आएगी क्लियर। अब क्या बोल रहे, अब बजट में भी एक्सप्रेस इन रिलेशन टू टाइम, बराबर। तो देखो टाइम के रिलेटेड कैसा हो सकता है, शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट, बराबर। दूसरी चीज फंक्शन, तो प्रोडक्शन बजट हो सकता है कि प्रोडक्शन कितना करेंगे। दूसरा सेल्स बजट हो सकता है कि सेल्स कितना करेंगे। कैश बजट कि कितना पैसा हमारे पास बजट बना के यूज करेंगे। कैपिटल बजट कि कितना हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, बराबर। दूसरी चीज बिहेवियर के बेस पे कैसे बांटेंगे, तो एक फिक्स बजट होगा या फ्लेक्सिबल बजट होगा। फिक्स मतलब इससे आगे नहीं जाना है, फ्लेक्सिबल मतलब रेंज में होगा कि 1000 से लेके 2000। एक तो होता है फिक्स अमाउंट कि भी मेरे को 2000 का ही लेना है बस, और दूसरी चीज होती है 2000 से 2500 तक मेरे को चलेगा, तो इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब 5-10% ऊपर नीचे, और इसे हम कहते हैं फिक्स बजट। तो बजट बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट एंड फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रोडक्शन बजट की बात, ये तीनों चीजें यहाँ पे होगी, टाइम, फंक्शन एंड बिहेवियर। तो कोई भी पर्टिकुलर बजट बना रहा हूँ, जैसे मैं सेल्स का बजट बना रहा हूँ, तो सेल्स का बजट होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है, और वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, बराबर। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज उठा लो, यहां से तीन तीन चीजें में से, तीनों में, तीनों क्राइटेरिया में से एक चीज आपको उठानी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म सेल्स का शॉर्ट टर्म बजट वो फ्लेक्सिबल है, सेल्स का लॉन्ग टर्म बजट जो फिक्स्ड है, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा और आपका बजट बनेगा, बराबर। तो बजट समझ गए, अब बजटरी कंट्रोल क्या है, बजट तो समझ गए, बजटरी कंट्रोल क्या है, तो आपको क्या करना है, बजटरी कंट्रोल एक प्रोसीजर है। यहाँ पे सिर्फ बजट बनाना नहीं है, बजट बनाने के साथ साथ आगे चेक भी करना है कि बजट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बजट क्या है, एक क्या है, बजट जो है वो एक काम है पर्टिकुलर, आपने प्लान बना दिया, और बजटरी कंट्रोल क्या है, वो पूरी प्रोसीजर है, बराबर। बजटरी कंट्रोल इज द होल प्रोसीजर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बजटरी कंट्रोल इज द सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड अकाउंटिंग कंट्रोल, बराबर। प्लान करो और कंट्रोल भी लगाओ, बोलो। हाँ, तुम्हारा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सबको ऐसा हो रहा है क्या प्रॉब्लम, बाकी सभी को, बाकी एक मिनट, बाकी सबको हो रहा है क्या ऐसा प्रॉब्लम, देखो अभी क्लियर आ रही है आवाज की नहीं आ रही, मेरे को इतना बोलो। एक मिनट, देखो इंटरनेट का कनेक्शन तो ओके है, बराबर।
अब क्लियर है कि आवाज खाली इतना बोलो। ओके, चलो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर जहां पे भी आवाज का प्रॉब्लम हो मेरे को तुरंत बता देना, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल जो सिस्टम है वो प्लानिंग एंड कंट्रोल दोनों का चीज का है। सिर्फ काम प्लान बनाना नहीं है, फिर बाद में चेक भी करना कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे क्या कहते हैं, डिफाइंड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, मतलब बजट को एस्टैब्लिश करना, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको बताना कि भी आपका ये काम है, आपको इस लिमिट में काम करना है, और बाद में उसको कंटिन्यूअस कंपेरिजन करना कि भी हमने जो एक्चुअल हमने जो बजट बनाया था उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बजटरी बजट मतलब बजट बनाना, और बजटरी कंट्रोल मतलब उसको टाइम टाइम से चेक करना कि एक्चुअल के हिसाब से, मतलब जो बजट है उसके हिसाब से एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे सिंपल इतना कहेंगे कि बजट जो बनाया है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखते रहना, कंटिन्यूस चेक करते रहना, उसे हम कहेंगे बजटरी कंट्रोल, बराबर। अब यहाँ पे फीचर्स क्या क्या आएंगे इसके, तो सबसे पहले बजट को एस्टेब्लिश करना कि पहले बजट को बनाओ अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। दूसरी चीज, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बजट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग उसमें पार्ट होंगे तो अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तो अलग अलग लोगों को काम देना कि भाई आपको ये चीज अचीव करानी है। दूसरी चीज, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी बराबर, कि ताकि लोग जो कर रहे हैं काम, हाँ ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुको, चलो ना मैं इंटरनेट थोड़ा सा चेक करता हूँ। चलो रिपीट करूं मैं, ठीक है। चलो तो बजटरी कंट्रोल में क्या है, हम बजट बनाएंगे और साथ साथ में उसको चेक करते रहेंगे। इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो हम लोग सबसे पहले बजट को बनाएंगे, फिर लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि किसका कौन सा टास्क है और किसको किस चीज के बारे में ध्यान रखना है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी चीज, आप उसके लिए पॉलिसी बनाओगे कि भाई हमें हमेशा कि ये जो काम है, ये फंक्शन है, इसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज, आपको हमेशा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंपेरिजन विद कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजट। तो आप जो जो बजट बनाया है उसको टाइम टाइम पे आप देखते रहो कि ये काम हुआ है कि नहीं। हम लोग एग्जाम करने बैठते हैं, एग्जाम लिखने बैठते हैं, तो हम लोग एक 3 घंटे का एग्जाम अगर होगा तो क्या देखते हो तुम, तो 3 घंटे में हमारा जो है काम, हम लोग काम लिखते रहते हैं लिखते रहते लिखते रहते, हम लोग घड़ी देखते रहते हैं बार बार। क्यों घड़ी देखते हैं, कि भाई हमने जो टाइम डिसाइड किया था उस टाइम में हमारा काम ना हो तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमेशा हमको हमारा जो बजट है, जैसे एग्जाम का टाइम है 3 घंटा, मतलब 3 घंटे का तुम्हारा बजट है और 3 घंटे में तुमको एग्जाम लिखनी है बराबर, तो तुमको हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में, आधे घंटे, 15-20 मिनट में, 1 घंटे के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा बजट, मतलब मेरे जो 3 घंटे का लिमिट है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर। तो ये हमारा बजट के साथ कंपैरिजन करना। जो पांचवी चीज जो है, रिवीजन ऑफ पॉलिसी इन सम टाइम्स। अब क्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमने तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो टारगेट है वो ज्यादा बड़ा रख दिया, तो क्या होगा, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी ना पॉलिसी। अब यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एक्सटेंट बहुत ही ऊपर रख दिया या बहुत ही नीचे रख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी बजट का जो हमारा प्रोसीजर है वो बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बजट।
तो तीन तरह के मेन कैटेगरी बजट है, बराबर। करें इसको कंटिन्यू, बोलो। सब लोग हाँ बोलो, कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट करेंगे कंटिन्यू बस, फिर बाद में बंद कर देंगे इसको। अभी तो सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है लेक्चर शुरू किए। करें शुरू? ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, तो बजट के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने टाइप के बजट हो सकते हैं? तो जनरली अ मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड विच इन टर्न इज ब्रोकन इनटू फंक्शनल बजट्स, बजट्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। अब क्या होगा, यहाँ पे एक सबसे बड़ा बजट बनाया जाएगा, मास्टर बजट, बराबर। मास्टर बजट में आप लोग क्या डिसाइड करोगे, मेरे को ये काम करना है। अब उस मास्टर बजट के अंदर क्या करोगे, आप अलग अलग छोटे छोटे बजट बनाओगे, अलग अलग टाइप्स के बजट बनाओगे, बराबर। तो क्लासिफिकेशन कैसा है, बेसिक बजट एंड करंट बजट, बराबर, बेसिक बजट एंड करंट बजट। दूसरा फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, और तीसरा मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट, बराबर। तो बेसिक बजट और करंट बजट इसको पढ़ते हैं पहले। बेसिक बजट का मतलब क्या है, तो बेसिक बजट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्लान, मतलब आपको पूरे साल का क्या है या पूरे 5 साल का क्या है वो डिसाइड करना है पहले, बराबर। और फिर क्या करोगे, उसको छोटे चीज में बांटोगे, उसे हम कहेंगे करंट बजट। करंट मतलब छोटे पीरियड के लिए, और जो लंबा बजट होगा मतलब 2-4 4 साल 5 साल, 5 साल का डिसाइड करोगे और फिर उसको ब्रोक करोगे अलग अलग पीरियड में। तो बेसिक बजट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्लान एंड यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डेवलपिंग करंट बजट्स। क्या करोगे, एक बड़ा डिसाइड करोगे गोल, क्योंकि पूरे साल में 1 लाख क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है। फिर क्या करोगे, आप अलग अलग पीरियड में देखोगे कि मैं जनवरी में कितना कर पाऊंगा, फरवरी में कितना कर पाऊंगा। तो ये हो गया मेरा बेसिक बजट, बराबर, और ये हो गया मेरा करंट बजट, जिसमें हम लोग छोटे पीरियड में डिसाइड करेंगे। बेसिक बजट इज मच ब्रॉडर इन स्कोप, मतलब ब्रॉडर स्कोप होगा, मतलब बड़ा स्कोप होगा और डिटेल्ड में नहीं होगा इतना, बराबर। ओवरऑल एक आइडिया दे देगा, बराबर। ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, बराबर। बेसिक बजट जो है वो कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि बड़े के बड़ा एक बनाया हमें, वो करंट बजट में उसको एस्टैब्लिश करेंगे, बराबर। फिर दूसरी चीजें क्या है, बजट जो बड़ा बजट है, बेसिक बजट है, वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वेरायंसेस इतने ध्यान में नहीं दिया जाता, क्योंकि बड़े ओवरऑल लेवल पे है, हम लोग जब टोटल कंप्लीट हो जाएगा उसको तब देखेंगे। तो बेसिक बजट मतलब एक ओवरऑल बजट, लॉन्ग टर्म प्लान होगा। अब करंट बजट बजट की बात करें, तो जो बेसिक बजट है उसको हम छोटे भाग में जब बांट देते हैं तो उसे हम कहते हैं करंट बजट, बराबर। फॉर यूज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, बराबर। ये 4-5 साल का हो सकता है, बराबर, 2-4 साल का हो सकता है, ये 1 ईयर का भी हो सकता है, या फिर कभी कभी मंथ या क्वार्टर बेसिस पे भी हो सकता है। जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री मौसम के हिसाब से चलती है, सीजनल है, तो उसमें क्या होगा, छोटे पीरियड का होगा और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बजट बनाया जाएगा, बराबर। ये चीजें हो गई करंट बजट एंड बेसिक बजट के बारे में। अब फिक्स बजट के बारे में पढ़ते हैं, फिक्स बजट क्या है और फ्लेक्सिबल बजट क्या है। अब यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या है कि कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसका डिजाइन कैसा होगा, इज डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और टर्नओवर अटेंड। आपको कभी भी बजट को चेंज नहीं कर सकते, इसे हम कहेंगे फिक्स बजट। मतलब ये रेंज में नहीं होगा, ये फिक्स 1000 मतलब 1000, इसको आपको चेंज नहीं करना, बराबर। तो ऐसे बजट कब बनाते हैं, खर्चों के लिए। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं, इसके लिए हम फिक्स बजट बनाते हैं, बराबर। फिर दूसरी चीज आई थी फ्लेक्सिबल बजट, तो जिस तरह से फिक्स्ड है उसका रिवर्स करेंगे तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल। मतलब बिहेवियर के बीच में जिस तरह से चेंज होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी की भी 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो इतना खर्चा, 2000 कर रहे हो तो इतना खर्चा, 4000 कर रहे हो तो इतना खर्चा, बराबर। बट ये फिक्स में क्या होगा, आप कितना करो, 1000 2000 4000 5000 कितना भी करो, एक फिक्स आप बजट बना रहे हो। यहाँ पे आप रेंज के हिसाब से बनाओगे, 1000 तक हो तो इतना, 2000 तक हो तो इतना, 3000 तक हो तो इतना, तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल बजट, बराबर। तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब कितना लेवल, लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना, 2000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना, 3000 करना, 4000 करना। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेस पे जब फ्लेक्स
बजट को चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। और फिक्स बजट जो ऐसा है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट, तो यहां से हमको क्वेश्चन पूछने वाला है लोग, बराबर। ये जो क्वेश्चन होते हैं या ये क्वेश्चन बनेंगे और इसमें इन चीजों का भी वेरिएंट होगा, बट मेन जो चीजें हैं वो फंक्शनल बजट एंड मास्टर बजट है। मास्टर बजट क्या है? मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम समरीज, मतलब बाकी जो फंक्शनल छोटे छोटे बजट है उनको मिला के एक मास्टर बजट बनाया जाता है। तो जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, कैश, एक्सपेंस और इन सबको मिला के एक मास्टर बजट बनाया जाता है, बराबर। तो पहले फंक्शनल बजट बनेंगे और उसके बेस पे मास्टर बजट बनेगा, बराबर। तो इट इज जनरली इंक्लूड्स डिटेल्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, मैंने बोला वही, सेल्स, स्टॉक, डेटर, कैश, फिक्स्ड असेट और अलग अलग तरह के खर्चे, बराबर। और फंक्शनल बजट क्या है? इनकम का हो सकता है, एक्सपेंस का हो सकता है, कैश का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, परचेज का हो सकता है, तो ये सारे बजट होंगे। तो अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट के पास एक एक बजट दिए जाएंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट को इकट्ठा करके मास्टर बजट बनाया जाएगा। समझो चीज को, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज इन तीनों को मिला दूंगा तो मास्टर बजट बन जाएगा, एक एक को देखूंगा तो ये फंक्शनल बजट कहलाएगा। चलो यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? मास्टर बजट मतलब सबका ओवरऑल और फंक्शनल मतलब डिपार्टमेंट वाइज, सिंपल इतनी चीजें हैं। अब यहां पे कौन कौन से बजट आएंगे उसको देख लेते हैं और बाद में फिर आगे बढ़ेंगे कल। फंक्शनल बजट में क्या होगा? तो फंक्शनल बजट एक किसी पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस या किसी फंक्शन का हो सकता है, जैसे सेल्स बजट हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट हो सकता है, प्रोडक्शन बजट हो सकता है, पर्सनल बजट पे कितने आदमी लगेंगे वो बजट, फिर मटेरियल मतलब परचेज का बजट, खर्चों का बजट, कैश का बजट। अब इसमें कौन कौन इसको बनाएगा? तो सेल्स बजट सेल्स मैनेजर बनाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो खर्चे के लिए भी सेल्स मैनेजर बनाएगा, प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल बजट पर्सनल मैनेजर मतलब एचआर वाला जो मैनेजर होगा वो बनाएगा, मटेरियल के लिए कौन बनाएगा तो परचेज मैनेजर, एडमिन एक्सपेंस तो प्रोडक्शन मैनेजर, कैश के लिए कौन बनाएगा तो फाइनेंस मैनेजर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो फाइनेंस मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसा बनाएगा। तो ये सारी चीजें हमको ये चीजें पढ़नी है मेन, यहाँ पे कैश बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सारे बजट आपको पूछेंगे। देखो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है पर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बराबर। सेल्स बजट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन बजट, लेबर मैन पावर, मार्केट, मटेरियल्स, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर मास्टर बजट के बारे में बताया, फिर फ्लेक्सिबल बजट को इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और फिर एक मोन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीरो बेस्ड बजटिंग, उसको भी हम लोग देखेंगे, बराबर। और मतलब ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है जीरो बेस्ड बजटिंग, बराबर, ये हम करेंगे और उसके बाद हमारे एग्जांपल शुरू होंगे, बराबर। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल ये एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और जीरो बेस्ड बजटिंग देखेंगे, बराबर। तो कल सभी लोग 8:30 बजे आ जानी चाहिए, मैं किसी को मैसेज ऐसे कुछ नहीं करूँगा, 8:30 बजे चालू हो जाएगा क्लास, जिसको ज्वाइन करना हो करें, जिसको ज्वाइन नहीं करना नहीं करेगा, ये चीज़ें अभी सेव हो जाएगी, जिसको देखना हो बाद में तो देख सकते हैं, इस टीचमेंट एप्लीकेशन में आके वापस से देख पाओगे तुम लोग, बराबर। तो जिन लोग को देखना हो देख लेना, जिन लोग को नहीं देखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेव रहेगा। इसका मैं नाम लिख दूंगा कि मतलब कैश बजट या जो भी नाम होगा इसका मैं नाम लिख दूंगा, आके देख लो, बराबर, ठीक है। तो कल 8:30 बजे फिर से शुरू हो जाएगा, 8:30 से 9:30 के बीच आपको फिर से अटेंड करना है। चलो तो कल ये चीज़ें देख लेंगे हम लोग, जो चीज़ें करवा रहा हूँ देखते रहना, 1 महीने का टाइम है, बराबर। एग्जाम तुम्हारी पक्की बात होने वाली है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम होने ही वाली है, बराबर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। तो तीन मतलब जैसे कल परसों और 2-3 दिनों में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा जो बड़ा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ इसको।